विधानसभा में शुक्रवार एनपीआर और एनसीआर पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया था। चर्चा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनपीआर और एनसीआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि वो लोग अब कह रहे हैं कि सीएए, एनपीआर और एनसीआर अलग है, लेकिन असम में जो हुआ उसको लेकर देश में चिंता है। केजरीवाल ने कहा, कोरोना वायरस को लेकर सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सभी सरकारों को मिलकर इकोनॉमी और बेरोजगारी पर ध्यान देने की जरूरत है और इस समय सीएए और एनपीआर लाया जा रहा है। 20 जून 2019 को राष्ट्रपति कोविंद जी ने कहा था कि मेरी सरकार ने तय किया है कि एनआरसी को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 10 दिसंबर को संसद में कहा था कि देश में एनआरसी होकर रहेगा। केंद्र पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब कह रहे हैं कि सीएए अलग है, एनपीआर अलग है और एनसीआर अलग है। आपके कहने से थोड़ी होगा, असम में जो हुआ उसको लेकर देश में चिंता है। केजरीवाल ने आगे कहा कि जिस किसी के पास दस्तावेज है वो हिंदुस्तानी है। जो हिंदू इस गलतफहमी में है कि आपके पास दस्तावेज नहीं है, तो आपको एफिडेविट में लिखना होगा कि आप पाकिस्तान से हो। एनपीआर के आधार पर एनआरसी होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में दिए गए जवाब का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल का उनका जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि एनपीआर के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होने मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। एनआरसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, इस पर गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। शाह जी कह कि कही बात को कोट करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि 17 दिसंबर को अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि आधार और वोटर कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती, आधार का अलग पर्पज होता है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से माने जाएंगे, केवल और केवल किसी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो नहीं चलेगा, नगर निगम का चलेगा या पंचायत का चलेगा, मेरे पास भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, साबित करने के लिए मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे माता पिता के पास भी नहीं है, बच्चों के पास है, 6 लोगों में से 4 लोगों के पास नहीं है, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया पूरी दिल्ली के कैबिनेट के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या पूरी कैबिनेट को डिटेंशन सेंटर में भेज देंगे। इसके बाद केजरीवाल ने विधानसभा में मौजूद सदस्यों से पूछा कि क्या उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। केजरीवाल ने उन लोगों से अपना हाथ उठाते हुए कहा कि जिनके पास यह सर्टिफिकेट है। इस दौरान सिर्फ 9 सदस्यों ने ही अपने हाथ उठाए, जिसके बाद केजरीवाल ने कहा कि 70 लोगों की विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यह साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक नहीं है, केवल 9 लोगों के पास वह प्रमाण पत्र है। केजरीवाल ने अपनी बात जारी करते हुए कहा कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है तो कितने लोग हैं जो एफिडेविट देंगे कि आप पाकिस्तानी हो। अध्यक्ष महोदय, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी नागरिकता देंगे, तो बता दें कि पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। देश का कोई नागरिक भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और एनआरसी कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है, तो अब इसमें कोई दो राय नहीं बची है। तो डॉक्यूमेंट्स तो कल का उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, उन्होंने ये नहीं कहा एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे। एनआरसी में तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और एनआरसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है। 17 दिसंबर को अमित शाह जी ने टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया था। टाइम्स नाउ की इंटरव्यू करने वाली ने पूछा उनसे क्या आधार कार्ड माना जाएगा, क्या वोटर कार्ड माना जाएगा, उन्होंने कहा आधार वोटर कार्ड से नागरिकता तय नहीं होती है जी, आधार का अलग पर्पज होता है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से माने जाएंगे वो अभी डिप्टी सीएम साहब ने बता दिया, केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा, किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा। सर स्कूल वाला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता था वो नहीं चलेगा, म्युनिसिपैलिटी का चलेगा या पंचायत का चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास भी
जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए। मैंने आज सवेरे अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी के पास भी नहीं है, मेरे माँ बाप के पास भी नहीं है, हमारे घर में 6 आदमी हैं, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों बच्चे, बच्चों के हैं, बच्चे दिल्ली में पैदा हुए थे, अस्पताल में पैदा हुए थे, म्यूनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट है उनका, बाकी चारों के पास नहीं है हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो ये मांग रहे हैं। तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पूरे परिवार को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा? मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया, सतेंद्र जैन के पास है, इन पास भी नहीं है, गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है, पूरी कैबिनेट, क्या पूरी दिल्ली की कैबिनेट डिटेंशन सेंटर में जाएगी? आपसे पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, आपके पास अगर, मेरे पास भी नहीं, उनके पास भी, वाजपेयी जी के पास है कह रहे हैं, पूरे मेरे, हमारे इतने विधायक हैं, जिसके पास है, एक मिनट, ईमानदारी से, कल मैं राघव से पूछा था, इसके पास है बता रहा था, किसी, जिसके पास है विपक्ष समेत, जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र है अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, जरा हाथ खड़ा कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं वो शिक्षा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चल रहा है, वो नहीं माना जाएगा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा भाई साहब। 70 लोगों की विधानसभा में 61 लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है साबित करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, केवल 9 लोगों के पास वो जन्म प्रमाण पत्र है। अब मैं इनमें से पूछना चाहता, एक मिनट, इनमें से पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपके पास कागज नहीं होगा, आप में से कितने लोग एफिडेविट देने को तैयार है कि आप पाकिस्तान से आए हो? अध्यक्ष महोदय, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये जो कह रहे हैं कि बोलो पाकिस्तानी हो तभी आपको नागरिकता देंगे, अध्यक्ष महोदय, पूरी जिंदगी डिटेंशन सेंटर में बिता देंगे, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे किसी भी हालत। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, मेरे देश का एक एक नागरिक, हमारे देश का, भारत का एक एक नागरिक कट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन भारत के साथ गद्दारी नहीं करेगा कोई भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।